बात करते हैं अयोध्या से आ रही खबर को लेकर। अयोध्या गैंग रेप के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है, ये बड़ी खबर अयोध्या से, जहां मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। मोहित खान गैंग रेप के आरोपी है और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में बुलडोजर एक्शन भी लिया गया है, जहां मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और उसे ध्वस्त किया गया। ये देखिए कैसे तस्वीरों में पीला पंजा चलाया जा रहा है मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर। तो अयोध्या गैंग रेप के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। मोहित खान का कॉम्प्लेक्स जो यहां बना हुआ था, उसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। गौरतलब है कि मोहित खान गैंग रेप में आरोपी है, जिस पर अब ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अयोध्या गैंग रेप के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन, बड़ी खबर इस वक्त की। मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर यह बुलडोजर चलाया गया है। यहां आपको बताएं कि इससे पहले भी मोहित खान की जो बेकरी है उस पर भी बुलडोजर इसी तरह से चलाया गया, और अब जो उसका कॉम्प्लेक्स यहां बना हुआ था उसको भी ध्वस्त किया गया है। कॉम्प्लेक्स पर ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई आप देख सकते हैं। पहले बेकरी पर बुलडोजर चला और अब उसके कॉम्प्लेक्स पर। एक नाबालिग के साथ रेप कांड में शामिल है ये मोहित खान, जो कि आरोपी है गैंग रेप आरोपी मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर। अब ये बुलडोजर चला है, उसके कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया है, और इससे पहले उसकी बेकरी भी ध्वस्त की गई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। अयोध्या गैंग रेप के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, और इससे पहले उसकी बेकरी को भी ध्वस्त किया गया। माफिया राज के खिलाफ यूपी में बुलडोजर एक्शन कार्रवाई लगातार जारी है, और ये तीन तस्वीरें हैं अयोध्या, कन्नौज और औरैया की, जहां प्रशासन का बुलडोजर चला। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी और एसपी नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर यह बुलडोजर चलाया गया है, और इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। जबकि कन्नौज में दुष्कर्म आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वहीं औरैया में अवैध पट्टेदारों पर जिला प्रशासन का यह बुलडोजर चलाया गया है। तीन तस्वीरें अयोध्या, कन्नौज और औरैया की, जहां बुलडोजर की कार्रवाई की गई और ध्वस्तीकरण किया गया। अलग अलग तस्वीर अयोध्या, कन्नौज और औरैया की आप देख रहे हैं इस वक्त। बताएं कि कन्नौज में दुष्कर्म आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज को भी बुलडोजर से गिराया गया है, और औरैया में पट्टेदारों पर जिला प्रशासन का यह बुलडोजर चला है। इसके अलावा अयोध्या में जिस तरह से कॉम्प्लेक्स की कार्रवाई की गई है, इससे पहले भी एसपी नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई होने से पहले उसके बेकरी को भी ध्वस्त किया गया था। तो बड़ी खबर तीन तस्वीरों के साथ, अयोध्या, कन्नौज और औरैया की तीन तस्वीर देख रहे हैं। माफिया राज के खिलाफ यूपी में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ये तीन तस्वीरें गवाह हैं इस चीज की कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या, कन्नौज, औरैया, अलग अलग तस्वीरें बुलडोजर कार्रवाई की, जहां प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया, बुलडोजर चलाया। अयोध्या गैंग रेप के आरोपी और एसपी नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया, हालांकि इससे पहले उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर चलवाया गया था, उसे तोड़ा गया था। उसके अलावा ये तस्वीर जो कि कन्नौज से आई, कन्नौज में दुष्कर्म आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज को बुलडोजर कार्रवाई से गिराया गया। वहीं तीसरी तस्वीर औरैया में, जहां अवैध पट्टेदारों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा। तो तीन अलग अलग तस्वीरें जहां माफिया राज को तोड़ा जा रहा है और इस तरह से बुलडोजर का प्रहार किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीर, अलग अलग जगह की कार्रवाई, एक बुलडोजर प्रहार।
माफिया का राज बुलडोजर प्रहार के जरिए खत्म किया जा रहा है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं कि तेजी के साथ बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन अयोध्या में नजर आ रहा है। करीब अब आधे घंटे का समय हो चुका है बुलडोजर कार्रवाई को, एक्शन को, और तेजी के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग आप समझिए कि पीछे का एक बड़ा हिस्सा गिराया जा चुका है, कुछ हिस्सा भी काफी बड़ा एरिया में, क्योंकि ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और फिलहाल उसको यहाँ पर धराशायी करने का काम, तोड़ने का काम तेजी के साथ चल रहा है। कई सारी मशीनें मंगाई गई थी इस पूरे एक्शन को कराने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा, शासन प्रशासन की तमाम टीमें मौजूद हैं, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है, और इन सबकी मौजूदगी में ये एक्शन फिलहाल यहाँ पर अभी जारी है। आप देख सकते हैं कि पोकलैंड मशीन से, क्योंकि ये तालाब का एरिया है, पीछे वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल से कहूंगा कि आपको ये दिखा दें कि ये पूरा तालाब का एरिया है, और ये तालाब की जमीन के साथ साथ ग्राम समाज की जमीन थी जिस पर यह अवैध निर्माण किया गया, और अवैध निर्माण करके उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के तमाम दुकानों को किराए पे उठाना, अलग अलग तरीके से धन को बनाने की, धन उपार्जन की प्रक्रिया यहाँ पर की गई। और जिन्हीं तमाम वजहों से जब मोहित खान का नाम इस पूरे अवैध, मोहित खान का नाम गैंगरेप के मामले में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में सामने आया, उसके बाद इस तरह की भी तमाम चीजें निकल करके सामने आने लगी, और यही वजह है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करते हैं।